all are doing well and stay safe at your home. So today we will do our remaining chapter 10, the conjunction, okay, in English grammar. So now next question number 1, fill in the blanks with correct conjunction from the box. Okay, ये box में जो conjunction word दिए हुए हैं इसे हमें इन blanks पे fill करना है जो भी इस blanks में suitable होगा. Okay, so first देखिए, I like to play cricket dash tennis, मतलब मुझे cricket खेलना पसंद है, tennis. तो यहाँ क्या आएगा conjunction, हम इन टू वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे टू सेंटेंस को. सो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड, क्या यूज़ करेंगे हम इस यहाँ कंजक्शन को, एंड मतलब मुझे क्रिकेट और टेनिस दोनों ही खेलना पसंद है. ओके, सो एंड क्या हो गया, और, ठीक है, ये दोनों को ज्वाइन किया है, क्रिकेट और टेनिस को. देन नेक्स्ट देखिए नंबर 2, ही गोज टू द टेनिस क्लब. He goes to the tennis club dash he like to play tennis. Tennis, okay. मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं वह टेनिस क्लब जा रहा है, उसे वह टेनिस पसंद करता है. तो यहाँ क्या आएगा, He goes to the tennis club because he like to play tennis. Okay. Then next है number 3. Do you like आइसक्रीम डैश केक, मतलब क्या तुम्हें आइसक्रीम केक पसंद है. तो ये देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं सेट हो रहा, तो हम कंजक्शन क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, और. ओके, डू यू लाइक आइसक्रीम और केक, क्या तुम्हें आइसक्रीम और केक पसंद है. ओके, देन नेक्स्ट देखिए नंबर 4, द माइस विल प्ले डैश द कैट इज अवे, है ना, जो माइस थी वह क्या खेल रही थी, है ना, चूहा जो वो खेल रही थी. नेक्स्ट द कैट इज अवे, और कैट वहां से भागी. ओके, तो यहाँ क्या आएगा कंजक्शन, क्या यूज करेंगे हम, वैन, डब्ल्यू एच ई एन. द माइस विल प्ले वैन द कैट इज अवे, जब कैट वहां से चली गई तो माइस क्या कर रहा था वहां पर, प्ले कर रहा था. ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर 5, वेट फॉर मी डैश आई रिटर्न. सो यहाँ पर आएगा वेट फॉर मी, मतलब मेरा वेट कीजिए टिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस आता हूँ. ओके ओके, नेक्स्ट है नंबर 5, दीपक इज काइंड डैश फुलिश. सो दीपक इज काइंड एस वेल एस, मतलब दीपक कैसा है, दयालु है, और क्या है, जितना दयालु उतना क्या है, फुलिश भी है. ओके, मूर्ख है. देन नेक्स्ट, यू विल गेट द फर्स्ट प्राइज इन क्लास डैश यू वर्क हार्ड. सो यहां पर क्या आएगा, इफ यू विल गेट द फर्स्ट प्राइज इन क्लास इफ यू वर्क हार्ड. ओके, तुमने कड़ी मेहनत की इसलिए तुम्हें क्लास में फर्स्ट प्राइज प्राप्त हुआ. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 2, रीड एंड जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग सूटेबल कंजक्शन. ओके, ये सेंटेंस दिए हैं, इन्हें हमें रीड करना है, और जो भी सूटेबल कंजक्शन होगा उसे हमें यहाँ पर ऐड करके इन सेंटेंस को ज्वाइन करना है. ओके, सी वेंट होम अर्ली He was not feeling well. So there are two sentences. यहाँ पर two sentences दिए हुए हैं. So हमें इन्हें join करना है conjunction का use करके. So she went home early. वह घर जल्दी चली गई. He was not feeling well. उसे वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी. अच्छा feel नहीं कर रही थी. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? Use करेंगे conjunction का. So write here she went होम अर्ली, बी ई सी ए यू एस ई, बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल. ओके, वह घर जल्दी चली गई क्योंकि वह अच्छा फील नहीं कर रही थी. ओके, सो इसी प्रकार से आपको ये नेक्स्ट सेंटेंस जो दिए हुए हैं
वो आपको ऐसे ही कंजक्शन का यूज करते हुए आपको इन सेंटेंस को ज्वाइन करना है. ओके, सो नाउ योर होमवर्क. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे.